सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टडी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप कोई भी एजुकेशनल अपडेट मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। देखिए एचके जीके की आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की नदियाँ। आप पिछला कोई भी एग्जाम अगर देखें, जेबीटी का हो या कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का, तो नदियों में से एक से दो क्वेश्चन जो है अक्सर देखे जाते हैं कि नदियों से पूछे जाते हैं हिमाचल की। तो इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। हर एक जो जानकारी है नदियों की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होनी चाहिए। तो चलते हैं इसकी तरफ। देखिए उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक एजुकेशन अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। और आप हिमाचल के किसी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं तो उसमें वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें मुख्य नदियों की, तो हिमाचल में जो है प्रमुख नदियां हैं पांच, ठीक है। मेन नदियां कितनी है हिमाचल की? पांच। हिमाचल की मेन नदियां हैं पांच, कौन कौन सी? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ये पांच नदियां हैं, बिना ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। तो देखिए एक बात यहां से देखिएगा, ये जो नदियां हैं पांचों, ये कौन कौन सी नदियों को जल प्रदान करती है? सिंधु और गंगा नदी को। सिंधु और गंगा नदी को जो है हमारी जो पांच नदियां हैं जल प्रदान करती है, मतलब हमारी नदियों का जो जल है वो कहाँ जाता है? सिंधु और गंगा नदी में। तो क्वेश्चन जो बेसिकली आता है कि हिमाचल में कितनी नदियां हैं प्रमुख, तो पांच, ठीक है। वो जल किसको प्रोवाइड करती है, यानी उनका जल जो है विलय कहाँ होता है? सिंधु और गंगा नदी में। तो पांच नदियां मैंने आपको बता दी, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। इनके अक्सर जो है वैदिक नाम या संस्कृत नाम पूछे जाते हैं या उद्गम स्थल पूछ लिया, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, नदी का नाम, ठीक है, बाकी उसका वैदिक नाम क्या था, संस्कृत नाम क्या था, उद्गम स्थल कहाँ से उसका, उसकी सहायक नदियां जो मेन मेन है उसे भी हम देखेंगे और इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो पहली नदी की अगर हम बात करें ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी की अगर हम बात करें, इसका वैदिक नाम क्या था? अर्जिकिया, अर्जिकिया, ठीक है। इसका वैदिक नाम था अर्जिकिया, संस्कृत नाम विपाशा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है इनमें से, या इसको वैदिक नाम पूछेंगे या संस्कृत नाम पूछेंगे नदियों का। तो इसका वैदिक नाम था अर्जिकिया, संस्कृत नाम था विपाशा। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है, ठीक है, ब्यास कुंड, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से जो है निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां हैं पार्वती, लूरी और बाणगंगा। सहायक नदियां कौन सी है? पार्वती, लूनी और बाणगंगा। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? ये हिमाचल में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, कितनी दूरी? 256 किलोमीटर की। मेन पॉइंट है इसका सेकंड, यह कांगड़ा जिले के इंदौरा और मिर्थल के मध्य एक यह नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी हिमाचल में जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, तो ब्यास नदी जो है कांगड़ा में इंदौरा और मुर्थल मिर्थल है ना, इंदौरा और मिर्थल में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो है संस्कृत नाम पूछ लेते हैं विपाशा, वैदिक नाम पूछ लेंगे तो अर्जिकिया, ठीक है। सेकंड नदी की बात करें चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब नदी का वैदिक नाम था अस्किनी, ठीक है, संस्कृत नाम चंद्रभागा। ये संस्कृत नाम इसका याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा, संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। उद्गम स्थल है इसका तांडी या तांदी, इसको बोलते हैं, यह है लाहौल स्पीति में, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रभागा जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ होता है? होता है तांडी में, ठीक है। दो नदियां मिलती हैं चंद्र और भागा, ठीक है, उन्हीं के नाम, उनके बाद जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है इन दोनों नदियों के मिलने पर तांडी क्षेत्र में। और सहायक नदी की बात करें तो सैचर नाला, ठीक है, सैचर नाला, एक मियार नाला, दो है, मियार नाला, दो जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगर विशेषता की बात करें, यह नदी हिमाचल में 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी? 122 किलोमीटर, ठीक है। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है हिमाचल की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी। ये जब भी बड़ी नदी की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ी नदी में जो है हमारी चिनाब नदी आती है, ठीक है। तो डेंसिटी की बात कर रहा होता है, जब भी बड़ी नदी की बात करें मतलब वो डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी अगर हम बात करें तो चिनाब नदी की सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हिमाचल की? चिनाब नदी।
जल घनत्व के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं रावी नदी, नेक्स्ट आई रावी नदी, इसका जो है वैदिक नाम क्या है, पुरुषनी। ठीक है, वैदिक नाम क्या है, पुरुषनी, और संस्कृत नाम इरावती। वैदिक नाम पुरुषनी, संस्कृत नाम इरावती, और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो ये निकलती है बड़ा मुकाल, जो कि है कांगड़ा में। ठीक है, बड़ा मुकाल कांगड़ा से बड़ा बंगाल। ठीक है, वहां पे दो, एक बादल और एक तातगिरी, दो हिमखंड है, दो ग्लेशियर है, उनसे पिघलने के कारण इसका जो है निर्माण होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा में। और इसकी सहायक नदियां हैं सियोल और गिरी, ये आपको याद रखनी है, सियोल और गिरी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी हिमाचल में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, चंबा शहर इस नदी के दाएं किनारे बसा है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिसको मैं गो कर देता हूँ मतलब इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि चंबा शहर रावी नदी के किस किनारे बसा है, या रावी नदी के किनारे है कौन सा शहर बसा है, तो चंबा शहर जो है इसके राइट साइड बसा हुआ है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है खेरी नामक स्थान पर यह चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। खेरी नामक जगह है चंबा में, वहां पे इसे चंबा को छोड़ के कहाँ प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फोर्थ देखते हैं चौथी नदी। देखिए नदी के ऊपर मैं एक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेस्ट भी जो है टेस्ट उसका जरूर दीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा उसका। तो अगली जो वीडियो आएगी उस पर थोड़े बहुत जो हम क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे नदियों के। देखिए सतलुज नदी का जो है वैदिक नाम था सुदुत्री, ठीक है, वैदिक नाम था सुतुद्री, और संस्कृत नाम सतुद्र, सतद्रु, संस्कृत नाम क्या था, सतद्रु। ठीक है, इसकी अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो यह होती है तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो स्वां और बसपा। ठीक है, स्वां नहीं है, समा होगा। ठीक है, समा और बसपा नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ये हिमाचल में 320 किलोमीटर रहती है, कितनी, 320 किलोमीटर। हिमाचल में अगर सबसे लंबी नदी है तो यह है सतलुज नदी, यह हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। यह नदी सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, मिलती किसमें आ जाके, सिंधु नदी में, सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है हमारी। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज नदी। मैं बताऊं आपको तो भाखड़ा जो डैम है, भाखड़ा डैम जो है वो इसी नदी पर बना है 1963 में। कब बना था, 1963 में। एशिया का सबसे ऊंचा अगर बात करें तो भाखड़ा बांध जो है इसी पर बना था। फिर हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गुरु गोविंद सागर लेक बिलासपुर में जो लोकेटेड है वो भी सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है, इसके बाद झीलों की मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, फिर हिमाचल में रेलवे लाइन, हिमाचल में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका, ठीक है, हर एक चीज की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। फिफ्थ नदी आती है यमुना नदी, कौन सी, यमुना नदी। इसका जो है वैदिक नाम कालिंदी, वैदिक नाम क्या है इसका, कालिंदी, संस्कृत नाम इसका नहीं है। ठीक है, इसका जो है वैदिक नाम क्या है, कालिंदी, और उद्गम स्थल की बात करें तो आती कहां से, यमुनोत्री, उत्तराखंड में, यमुनोत्री से, उत्तराखंड में जो है गढ़वाल की पहाड़ियों से आती है यमुनोत्री नामक स्थान से। इसकी जो सहायक नदियां हैं टोंस नदी, गिरी नदी और पब्बर नदी। सहायक नदियां कौन सी है, टोंस, गिरी और पब्बर। हिमाचल की सबसे छोटी नदी, हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, और गंगा नदी की सबसे बड़ी उपसहायक नदी। ठीक है, गंगा नदी की सबसे उपसहायक नदी है, सबसे बड़ी उपसहायक नदी कौन, यमुना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मेन मेन आते हैं, या तो इनके आपसे वैदिक नाम पूछेगा या संस्कृत नाम पूछेगा, या उनका जो है उद्गम स्थल पूछेगा कि वो आती कहाँ से, या फिर हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे लंबी नदी, इस तरह से जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेगा। तो ये थी हिमाचल की नदियां। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।